स्पेसिंग का मतलब क्या होता है, एक्सलेशन कॉन्स्टेंट। डिस्क्राइब्स 12 मीटर इन थर्ड सेकेंड, क्या उसने बोला 3 सेकेंड्स? नहीं, उसने क्या बोला थर्ड सेकेंड। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एस एन के एस एन एथ, एस एन एथ वाला, राइट। तो थर्ड सेकेंड का डिस्टेंस दे दिया उसने, एंड 20 मीटर इन फिफ्थ सेकेंड, तो फिर से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एस एन एथ। तो एक बार एन की जगह 3, एक बार एन की जगह 5, क्या ये पॉइंट क्लियर है। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन 12th सेकेंड, तो यानी कि फिर फॉर्मूला क्या लगेगा, एस 12th का। अब ये बताओ कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको एस 12th निकालना है, 12th सेकेंड, फॉर्मूला क्या लगेगा, एस एन एथ का फॉर्मूला क्या करवाया मैंने, u प्लस ए बाई टू, टू एन माइनस वन, और n को क्या पुट करेंगे, क्या निकालना है 12, तो क्या निकालना चाहता हूं मैं, एस 12th, u पता नहीं, a पता नहीं, n कितना 12 माइनस वन। तो अगर मैं आपको u और a बता दूं, n तो आपको पता ही है 12 का, तो आप यहां से एस एन एथ कैन बी कैलकुलेटेड, यानी कि हमें क्या ढूंढना है, u और a ढूंढना है। क्या लॉजिक क्लियर है। और यू आर ए ढूंढने के लिए हम फर्स्ट एंड सेकंड जो फैक्ट्स गिवन है उसको यूज करें, कैसे, ये देखो 12 मीटर इन थर्ड सेकंड गिवन है। तो केस नंबर वन, एस एन एथ का फॉर्मूला लगाया, क्या गिवन है, एस थर्ड, एस थर्ड कितना गिवन है 12, एस थर्ड में एन की जगह क्या पुट करेंगे 3, क्लियर है यहां तक, एन की जगह 3 हम थर्ड सेकंड निकाल रहे हैं, क्लियर है। तो ये कितना गिवन है 12, यू और ए मालूम नहीं, क्या उसने कहा कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई थी, उसने बिल्कुल नहीं कहा, इसीलिए आप यू को अपने आप जीरो कभी भी नहीं ले सकते, उसने नहीं बोला, आप इनिशियल वेलोसिटी यू लेके चले, क्लियर है यहां तक, और एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट बोला तो ए ले लें। तो फर्स्ट इक्वेशन में 12 यू प्लस ए बाई टू इंटू टू इंटू थ्री माइनस वन सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर वन आएगी, संभाल के रखें इसे। फिर एक और चीज गिवन है केस नंबर टू, क्या गिवन है, एस 12th, एस 5th, एस 5th कितना गिवन है 20, फिर से एस एन एथ का फॉर्मूला लगाएं, एस 5th की जगह क्या पुट करेंगे 20, यू और ए पता नहीं, और एन की जगह क्या पुट करेंगे 5, एस 5th में एन क्या आएगा 5, तो 2 इंटू 5 माइनस 1 सॉल्व करेंगे तो आंसर इक्वेशन नंबर 2, क्या ये पॉइंट क्लियर है। फर्स्ट इक्वेशन आपने पुट की एस थर्ड से, सेकेंड इक्वेशन आपने बनाई एस 5th से, दो इक्वेशन जो आपने बनाई दोनों इकट्ठी लिखें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये टर्म माइनस हो जाएंगी, यू से यू क्या हो जाएगा कैंसल, 12 में से 20 माइनस गया तो माइनस 8, इसमें से माइनस करोगे तो कॉमन लेके आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। अगर एक्सेलरेशन ए आ गई तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यू, तो यू भी आ जाएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, ए आ गया और यू आ गया, और हमने भी यही सोचा था अगर ए और यू पता लग गया तो आंसर आ गया। तो क्या करेंगे, एस 12th में यू प्लस ए बाई टू, टू एन माइनस वन में एन की जगह क्या पुट करेंगे 12, यू हमने निकाल लिया 2, ए हमने निकाल लिया 4, सारी वैल्यूज पुट करके क्या आएगा 48, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें। तो इस इक्वेशंस को यूज कैसे करना है, एक आइडिया समझ में आया सबको, ठीक, क्लियर है यहां तक, डाउट, अरे डाउट, पीछे फिर देखो, फिर देखते हैं, फिर देखो दो तीन न्यूमेरिकल मैं करके दिखाऊंगा, फिर आप को अभी शीट मिली है वह प्रैक्टिस आप करेंगे। बॉडी डिस्क्राइब्स 400 सेंटीमीटर इन थर्ड सेकेंड, तो वो क्या कह रहा है, एक बॉडी 400 सेंटीमीटर्स डिस्टेंस कवर करती है थर्ड सेकेंड में, एंड 1200 इन फिफ्थ सेकेंड, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है कि यहां पर एस एन एथ का फॉर्मूला लगेगा और यहां पर एस 5th का फॉर्मूला लगेगा, यस कि नो। अच्छा, मैं आज प्लस 11वीं क्लास में हूं, 11th में हूं, तो मेरी क्लास के लिए एस एन एथ का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, मतलब जहां थ लग गया तो ये थ वाला फॉर्मूला वहां चल पड़ेगा, ऐसे थोड़ा सिखाया मैंने,
मैंने ये सिखाया, मैंने कहा कि बॉडी डिस्क्राइब्स 400 सेंटीमीटर्स इन थर्ड सेकेंड, तो क्या इसमें एस थर्ड का फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, अभी भी लगेगा, हाँ लगेगा, ठीक है, सही है, लगेगा, तो टिके रहो टिके रहो, ठीक लगेगा, क्योंकि एस थर्ड है, थ्री नहीं है, एस फिफ्थ है, फाइव नहीं है, बिल्कुल सही, अभी भी लोग जो यस बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, एस थर्ड लगेगा, ऐसे ही 1200 सेकेंड इन फिफ्थ सेकेंड, तो एस फिफ्थ का फॉर्मूला लगेगा, ठीक। इफ द बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, मतलब एक्सेलेरेशन कॉन्स्टेंट है, हाउ फार इट विल ट्रेवल इन नेक्स्ट थ्री सेकेंड, क्या इसमें एस एनथ का फॉर्मूला लगेगा, हा या ना? क्या यहां थर्ड लगा? नहीं लगा, थ्री सेकेंड लगा तो नहीं लगेगा, थर्ड फिफ्थ सेकेंड उस पर लगता है, थ्री सेकेंड फाइव सेकेंड एट सेकेंड पे क्या लगता है, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब प्रॉब्लम समझो, ये क्वेश्चन पूछने वाला आपको एक स्टोरी सुना रहा है, वो कहता है कोई ना बॉडी स्टार्ट हुई कहीं से, ठीक है स्टार्ट हुई, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी पता नहीं, जब पता नहीं तो कम से कम जीरो तो नहीं है, तो क्या एज्यूम करेंगे, यू, एक्सेलरेशन पता नहीं तो क्या एज्यूम करेंगे, ए, यू और ए, बॉडी चल रही थी। उसने कहा जब ये बॉडी चल रही थी तो थर्ड सेकेंड में उसने डिस्टेंस 400 सेंटीमीटर कवर किया था, मैंने कहा ठीक है, फिर आगे फिफ्थ सेकेंड में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया था, 1200 सेंटीमीटर कवर किया, मैंने कहा ठीक है। वो कह रहे कि अब अगले तीन सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कोई मुझे ये बताएगा कि अगला तीन सेकेंड यहां पर मतलब क्या है, कहां से अगला तीन सेकेंड, कहां से, फिफ्थ से, तो कहानी पांच तक तो सुना चुका, पांच तक कुछ वैल्यू दे चुका, आपको फिफ्थ के अगले तीन सेकेंड पे वैल्यू बतानी है। जैसे डायग्राम से अगर रिप्रेजेंट करूं तो यू और ए अभी हम निकालेंगे, अभी मान लो यू और ए इसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है, तो क्या कह रहा है, थर्ड सेकेंड पे कुछ वैल्यू दे रहा है आपको डिस्टेंस की, फिफ्थ सेकेंड पर कुछ वैल्यू दे रहा है डिस्टेंस की, फिर कह रहा है फिफ्थ सेकेंड के अगले तीन सेकेंड। अब अगला तीन सेकेंड तो काफी बड़ा होगा, एक सेकेंड थोड़ी ना, तीन सेकेंड है, तो अगले तीन सेकेंड की ये दूरी क्या होगी ये आपको बतानी है। तो आपको डायग्राम समझ में आ रहा है, ये डायग्राम गिवन नहीं होंगे, ये अपने मन से बनाने हैं आपने, ताकि आपको समझ में आए कि पिक्चर है क्या इसमें। तो क्या ये जर्नी समझ में आ रही है, यहां पर डिस्टेंस दे दिया, यहां पर डिस्टेंस दे दिया, और इसके अगले तीन सेकेंड में डिस्टेंस पूछ लिया, क्लियर है? तो अगर ये डिस्टेंस निकालना है तो बताओ शुरू से जब जर्नी स्टार्ट हुई थी और यहां पर जर्नी पहुंच चुकी है, शुरू से लेके यहां तक टोटल टाइम कितना हो चुका, 8 सेकेंड, और यहां पर कितना टाइम था, 5 सेकेंड। तो अगर मैं शुरू से 8 सेकेंड का डिस्टेंस आपको बता दूं और शुरू से 5 सेकेंड का डिस्टेंस मैं आपको बता देता हूं, और अगर मैं इस टोटल 8 सेकेंड के डिस्टेंस में से 5 सेकेंड के डिस्टेंस को माइनस कर दूं, तो मेरे पास अगले 3 सेकेंड का डिस्टेंस आ जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो टोटल डिस्टेंस 8 सेकेंड के डिस्टेंस में से 5 सेकेंड के डिस्टेंस को माइनस करके 3 सेकेंड का डिस्टेंस आ जाएगा। पर मुझे क्या चाहिए, यू नहीं पता, मुझे ए नहीं पता, क्वेश्चन ऐसा सॉल्व होगा, तो पहले हम क्या निकालेंगे, यू और ए निकालते हैं। तो मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है थर्ड सेकेंड में डिस्टेंस कितना है, 400। तो मैंने एस थर्ड का फॉर्मूला लगा लिया, एस एनथ वाला, एन की जगह क्या पुट किया, 3, एस थर्ड की जगह क्या पुट किया, 400। यू और ए मुझे पता नहीं था, इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व करके, इक्वेशन नंबर 1, क्या ये पॉइंट क्लियर है? उसी तरीके से फिर मुझे क्या गिवन है, एस फिफ्थ कितना गिवन है, 1200। एस फिफ्थ में आप एन की जगह क्या पुट करेंगे, 5 पुट करके डिस्टेंस कितना गिवन है, 1200। यू और ए पता नहीं, तो सॉल्व करके आंसर इक्वेशन नंबर 2। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 लिखा, इक्वेशन नंबर 2 को लिखा, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, वो आप करेंगे सॉल्व, सॉल्व करके यू और ए कैन बी कैलकुलेटेड। क्लियर है यहां तक? तो यू भी आ गया और ए भी आ जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन में यू पता है मुझे, ए पता है, यू नेगेटिव है, नेगेटिव रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू पता है ए पता है, मुझे अगले 3 सेकेंड का डिस्टेंस बताना है,
तो मैं क्या करूंगा, पहले 8 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लूंगा, उसमें से 5 सेकंड के डिस्टेंस को माइनस करूंगा। तो यानी कि डिस्टेंस इन नेक्स्ट 3 सेकंड में क्या करूंगा, S8 का मतलब टोटल 8 सेकंड का डिस्टेंस में से टोटल S5 का मतलब फिफ्थ नहीं 5 सेकंड के डिस्टेंस को माइनस कर दूंगा। अब 8 सेकंड का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या लगता है, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर पुट किया और टाइम को क्या पुट किया 8, और S5 में डिस्टेंस 5 सेकंड में कैलकुलेट करने के लिए क्या लगाया, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर और टाइम की जगह क्या पुट किया 5। u भी पता है, a भी पता है, हम निकाल चुके हैं, सॉल्व कर लेना, माइनस करना, आपके पास आंसर 6000 सेंटीमीटर आएगा। लॉजिक क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? अब कई स्टूडेंट इसको मेथड 2 से करते हैं। कैसे करेंगे ये देखो, मैंने वैसे भी कर दिया कि ये बॉडी का यू और ए तो आ गया था हमारे पास। वो कहते हैं कि क्योंकि हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालने के लिए मैं अप्लाई करता हूँ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर इस जर्नी के लिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये जर्नी है, सिर्फ ये जर्नी कंसिडर करनी है, तो मुझे यहाँ की वेलोसिटी नहीं पता, क्योंकि अगर मैं ये जर्नी कंसिडर करता हूँ तो यहाँ की वेलोसिटी क्या मानी जाएगी, मेरी इनिशियल वेलोसिटी। तो एक काम करते हैं, हम S8 में से S5 माइनस करने की बजाय यहाँ की वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर टाइम कितना है 5 सेकेंड, यू मुझे पता है, तो इस पूरी जर्नी में, इस यहाँ 5 सेकेंड की जर्नी में आप अप्लाई करें V इज इक्वल टू यू प्लस 80। यू आपको पता है, ए आपको पता है, टाइम आपने क्या पुट किया 5, तो आपके पास कौन सी वेलोसिटी आ गई फाइनल यहां पे, तो वी की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई 1400। अब अगर आप सिर्फ इस जर्नी को कंसिडर करते हैं, तो इस जर्नी के लिए ये 1400 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या मानी जाएगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी। अब पीछे की जर्नी को भूल जाएं, तो ये वेलोसिटी क्या मानी जाएगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी। एंड यू कैन अप्लाई इस जर्नी के लिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी की जगह क्या पुट करेंगे 1400, टाइम की जगह क्या पुट करेंगे 3, और एक्सेलेरेशन आपको पता है और टाइम 3, सॉल्व करके आंसर सेम आएगा। तो आपकी मर्जी है, आप 8 सेकंड के डिस्टेंस में से 5 सेकंड के डिस्टेंस को माइनस करना चाहें, या फिर फाइनल वेलोसिटी निकाल के सिर्फ उस पार्ट के लिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर लगाना चाहें, ये आपकी मर्जी है। तो मतलब अब कोई लिमिट नहीं है सोल्यूशन पे, आप सोल्यूशन कैसे भी सोच सकते हैं, आंसर सही आना चाहिए, लॉजिक सही होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है लॉजिक कैसे करना है? ठीक, अगर मान लो आपको किसी क्वेश्चन में ग्राफ दे दे वो, और कौन सा ग्राफ दे दे, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अगर हम एरिया निकाल लें तो हमें क्या मिलती है, डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन में ये ग्राफ गिवन होगा, कुछ ग्राफ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में भी होगा और कुछ नेगेटिव में भी होगा, नेगेटिव वैल्यू के साथ होगा। तो अगर इसमें वो पूछे कि डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है। तो अगर वो कहे कि डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस में आपने इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है और इसका एरिया निकालना है, और तीनों को ऐड करना है। आपको कहे सर ये वैल्यू -20 है, हाँ तो कोई बात नहीं, -20 का मॉड लगा देना, इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही लेना, माइनस मत लेना एरिया, चाहे एरिया नेगेटिव आ रहा है पर आपने पॉजिटिव लेना है, तीनों एरियाज को ऐड ही करना है। ठीक, क्योंकि डिस्टेंस में लेंथ ऐड ही होती जाती है, सबट्रैक्ट तो होता ही नहीं कुछ भी। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में यहां का एरिया प्लस यहां का एरिया माइनस यहां का एरिया, तो दोनों एरियाज को आपने क्या किया, ऐड, और नीचे के एरिया को आपने क्या कर दिया, माइनस। तो आपने माइनस साइन कंसिडर करना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो आपने डिस्टेंस को ऐड करना है ना, आपने इसमें डिस्टेंसेस को ऐड करना है। अगर डिस्टेंस निकालना है, सारे एरिया चाहे नेगेटिव भी आ रहा है तो भी उसको प्लस करके ऐड ही कर देना है। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट कहेगा तो आपने जो एरिया पॉजिटिव है पॉजिटिव लेना है, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव लेना है, और फिर फाइनल आंसर निकालना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक। तो
एक शीट करते हैं, अभी हम कर रहे थे जो ये लो, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है। एक बार इसे एक बार ट्राई करो प्लीज। अ बॉडी डिस्क्राइब्स 400 सेंटीमीटर इन थर्ड सेकेंड, तो क्या फॉर्मूला लगेगा? एस एनथ। एंड 1200 सेंटीमीटर इन फिफ्थ सेकेंड, फिर से क्या लगेगा? एस एनथ। अच्छा सेम क्वेश्चन है, हो चुका। हाँ सॉरी, ये तो हो चुका 6000, सॉरी ये मैंने कर दिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट नहीं किया, नेक्स्ट करें, इस क्वेश्चन को करें। में क्या क्वेश्चन है? अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड इज 25 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड 8 सेकंड इज 34 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 12th सेकंड। अब 12th सुनते ही आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर क्या लगेगा? एस 12th। फॉर्मूला क्या है? यू प्लस a by 2 into 2n minus 1, तो यहां पर u plus a by 2 into 2 into 12 minus 1।
क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो अपने को क्या चाहिए? यू चाहिए और ए चाहिए। यू आ गया, ए आ गया, आंसर आ गया। क्या ये लॉजिक क्लियर है? जो निकालना समझ में आ रहा है, यू और ए निकाल दें। अब यू और ए निकालने के लिए क्या गिवन है? इट मान लो बॉडी यू पे चली, यू से चली, एक्सेलरेशन कितनी है इस जर्नी की? ए। तो आफ्टर 5 सेकेंड, तो टाइम टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है? 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप एक काम करें, यहाँ पर लगाएं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फर्स्ट केस में वी इज यू प्लस ए टी, 25 इज इक्वल टू यू प्लस ए और टाइम की जगह कितना? 5। क्या स्टेप क्लियर है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में टाइम को 5 पुट किया तो ये इक्वेशन आ गई। क्लियर है? ठीक। अब सेकेंड केस में एंड 8 सेकेंड पे वेलोसिटी 34 है, यानी कि और आगे चलते हैं अगर यहाँ से, तो ये टाइम क्या हो चुका है यहाँ पर? 8 सेकेंड। तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है इसमें? 34 है। तो यानी कि अगर मैं ये और ये स्टार्टिंग फिर से लेता हूँ पूरी जर्नी, तो ये मेरा केस नंबर क्या था? 1। अब मैं क्या लूंगा? केस नंबर 2। तो फिर से लगाऊंगा एक बार v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस बार फाइनल वेलोसिटी की जगह 34, u प्लस ए और टाइम की जगह 8। क्या स्टेप क्लियर है? दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, u और a आएगा, फिर u और a निकाल के किस में पुट करना है? s 12th में पुट कर देना, 2 × 12 − 1 आंसर आएगा। चेक करो क्या आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? s 12th 44.5। ओके चेक करो, ऐसी सेकेंड पार्ट करना है। डिस्टेंस 10th में आने की जगह 10। समझ में आ रहा है यहां तक?
देखो आंसर आया इसका, यू और ए कितना आया इसमें, यू कितना आया 10 और ए कितना आया 3, यू और ए आ गया, फिर आपने यहाँ वैल्यूज पुट कर ली यू और ए की, आंसर कैन बी। तो मैं इसकी शीट की सोल्यूशन नेक्स्ट टाइम बना के लाऊंगा, इसको होमवर्क ही रखो, जिसका नहीं हुआ इसको ट्राई करना। ना ना ये केस एक ही है, स्टार्टिंग पॉइंट वही है इसका यू का, तो टेंथ सेकंड पे क्या हुआ, ट्वेल्थ पे क्या हुआ, दो क्वेश्चन पूछ रहा है वो, स्टार्टिंग पॉइंट वो है, दो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, यू डिफरेंट नहीं है, ये एक ही क्वेश्चन है, पार्ट दो है, मतलब कि यू डिफरेंट का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है, तो यू और ए तो जो आपने निकाल लिया वो तो वही वही है ना, इसको रेफरेंस मानते हुए एस ट्वेल्थ निकालो और एस टेंथ निकालो, इसको रेफरेंस मानते हुए ऐसे, ये एक ही क्वेश्चन है और दो क्वेश्चन कहाँ बनाए उसमें, फिर नया यू और ए निकाल लें, मैंने अलग यू कभी लिया ही नहीं, जब केस नंबर 1, 2, 3 लेता हूँ एक ही यू लेता हूँ मैं, तो एक क्वेश्चन में तो एक ही यू होगा ना यार, गाड़ी एक है तो एक ही यू होगा, दो गाड़ियाँ तो दो यू होंगे, केस ही एक है ये। ओके इसमें करो प्लीज, क्वेश्चन लगानी है, ओ कौन सी इक्वेशन लगानी है, कैसे पता लगेगा, अगर आपको ये पता लग गया ना तो आपके 15 दिन आप माइनस कर दो, 15 दिन बच जाएंगे, अगला 15 दिन हमने यही सीखना है कि कौन सी क्वेश्चन लगानी है, बस बात होगी ख़त्म। अब ठीक है तो बस, तो प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस, तो आप कोई भी क्वेश्चन लगाओगे लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कौन सी क्वेश्चन लगेगी, ठीक है, प्रैक्टिस से पता लगेगा। और अगर यही बता दिया ना, फिर सच बता रहा हूँ मैं, फिर आप कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आप 15 दिन मत आना, आपको पता है कौन सी क्वेश्चन लगेगी, ठीक यार। यही सबसे इसमें प्रॉब्लम, फिजिक्स में प्रॉब्लम पता है क्या है, पहले आप क्वेश्चन समझें, आप इमेजिन करें कि क्वेश्चन में क्या कुछ गिवन है, फिर आप उसको उसकी स्ट्रैटेजी बनाएं कि हाँ इस क्वेश्चन के अंदर ये लगाऊंगा, फिर उसके बाद फिर मैथ्स आता है, फिर मैथ्स लगेगा तब जाके फाइनल आंसर आएगा। तो ये एक स्टेप ऊपर है, पहले क्वेश्चन समझना, प्रॉब्लम समझना, फिर प्रॉब्लम की स्ट्रैटेजी बनाना कि हाँ लगता है कि ऐसे 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 होगा, और फिर मैथ्स लगाना। अभी तो यू और वी चल रहा है, अभी तो और एक लेवल ऊपर जाएगा, जैसे कि एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, उसने फूड पैकेट ड्रॉप किए, वो किसी एंगल पे जा रहे हैं और वो किसी बिल्डिंग के ऊपर गिरते हैं, कैच करने वाला कैच कर रहा है उसे, कितनी वेलोसिटी से कैच कर रहा है, कितने एंगल पर हिट कर रहा है, तो ये थोड़ा सा और, पर डोंट वरी 2D है वो, 1D अगर आ गया तो 2D अपने आप आ जाएगा, मुश्किल नहीं है, मज़ा आएगा, मुश्किल नहीं है, मैंने ये नहीं कहा मुश्किल है, मैंने सिर्फ ये बताया कि आपको स्ट्रैटेजी सोचना पड़ता है फिजिक्स में, मतलब अगर कोई स्टूडेंट सोच नहीं पा रहा ना तो वो न्यूमेरिकल नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो जैसे एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, इमेजिन करो एक हेलीकॉप्टर सामने तेज़ी से आ रहा है, और अगर वो कोई फूड पैकेट ड्रॉप करता है, अगर वो ऐसे आ रहे हेलीकॉप्टर, तो फूड पैकेट जब ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप छोड़ दिया किसी ने, तो क्या नीचे गिर जाएगा, ना वो थोड़ा ऐसे गिरेगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर की स्पीड भी उसको मिलेगी, तो फूड पैकेट आगे की तरफ गिरता है हमेशा, तो ऐसा नहीं गिरता, मतलब खड़ा हुआ हेलीकॉप्टर तो नीचे गिरेगा, चलता हेलीकॉप्टर आगे की तरफ गिरता है, तो कहाँ गिरेगा, क्यों गिरता है, कैसे गिरता है, ये सब इमेजिनेशन की गेम भी है थोड़ी सी, सिर्फ फिजिक्स सिर्फ यही नहीं है कि फॉर्मूला लगाया आंसर आ गया, थोड़ी सी एक स्टेप ऊपर है आपको इमेजिनेशन, अगर नहीं हो रही इमेजिनेशन कोई बात नहीं, मेरा काम है इमेजिन करवाना, तो हम न्यूमेरिकल क्या करते हैं, यही काम करेंगे, नहीं हो पा रही तो मैं आपको इमेजिन करवाऊंगा, देखो अगर ये सिचुएशन होगी तो इसमें ऐसा बनेगा, फिर आपका दिमाग अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, आप खुद इमेजिन करना शुरू कर दोगे, ठीक है, हो गया, कितना आंसर है यार है, ठीक है, तो ये तो इजी है, एक्स इसमें गिवन है और क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी, बोलो क्या करें इसमें, सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट ना, टी जीरो सीधा नहीं पुट कर सकते एक्स में, हाँ पहले वेलोसिटी इनिशियल निकालनी है भाई, पहले वेलोसिटी तो निकाल लो, और वेलोसिटी कैसे निकलती है, dx बाय dt, तो यहाँ पर d बाय dt ऑफ x, x की वैल्यू कितनी है 180t प्लस 50 इंटू टी का स्क्वायर, तो v विल बी इक्वल टू 180 प्लस, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आएगा 100t, उसने कौन सी वेलोसिटी पूछी आपसे, इनिशियल, इनिशियल में टाइम की वैल्यू क्या होगी 0, तो v की वैल्यू क्या आएगी
180, क्या ये पॉइंट क्लियर है? एक आंसर आ गया। फिर आपको इसमें क्या निकालना है, फाइंड दी वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड। तो ये ए पार्ट है। बी पार्ट में वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड में 180 प्लस 100 इनटू बोलो टाइम की जगह कितना, 4 आंसर। इनिशियल में टाइम की जगह 0 और वैसे टाइम की जगह 4। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है यहाँ तक। उसके बाद क्या करना है, फाइंड दी एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी हमने इंस्टेंटेनियस निकाल ली, कितनी, 180 प्लस 100 इंटू टी। मुझे क्या निकालनी है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो डीवी बाई डीटी, तो ए इज इक्वल टू डी बाई डीटी ऑफ कितना, 180 प्लस 100 टी। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन 0 और आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 100। मेथड समझ में आ रहा है? मैं ऐसा 5 ही पुट करेंगे, ऐसा नहीं होता। एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड अलग है और 5 सेकेंड स्टार्टिंग अलग है, नहीं। टाइम इंस्टेंटेनियस है, 4 सेकेंड पे एक होगी, 5 पे एक होगी, 4 और 5 का कोई बॉर्डर नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इतना भी डीप नहीं जाएंगे टाइम को लेके, डीटी लेके। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रहा है सबको? ओके, ऑनलाइन क्लियर है? यस। ठीक है, ये होमवर्क लिखो, फोर्थ होमवर्क है, फिफ्थ होमवर्क है। शीट आपको दे दूँ लास्ट टाइम, वही तो शीट चल रही है, 7th और 8th। हाँ मैं देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 करो, मैं अभी देता हूँ शीट, दे रहा हूँ, 6th करो। हाँ होमवर्क है सारा, ये 7th है शीट, नेक्स्ट 7th होगी थी, 8th है, 8th नंबर शीट है ये। इस क्वेश्चन को करना है आपने 6th को। सोचें जरा कैसे होगा, पहले सोचें क्या सिचुएशन है, फिर स्ट्रैटेजी बनाएं कि कैसे आप इस एक्सीडेंट को रोक सकते हैं, या एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, कैसे डिसाइड करेंगे। भाई गाड़ियां चल रही हैं, सोचो। मैंने तो नहीं कहा आंसर निकाले, मैंने कहा आप सिर्फ क्वेश्चन रीड करें और सोचें कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, और आप न्यूमेरिकल ना करें, लेकिन एक चीज़, एक सोल्यूशन दे सकते हैं कि अगर ऐसा होगा तो एक्सीडेंट होगा, अगर ऐसा होगा एक्सीडेंट नहीं होगा, वो सोल्यूशन क्या होगा। कहानी पढ़े आराम से, क्या है कहानी, साथ साथ पढ़ लो। ऑन अ फॉगी डे, मतलब कि सर्दियों के दिन है, फॉग पूरी सड़कों पे फॉग है, समझ में आ रहा है। आगे, टू ड्राइवर्स स्पॉट ईच अदर व्हेन दे आर 80 मीटर अपार्ट। तो ये समझ में आता है कि सड़क के ऊपर दो ड्राइवर्स हैं, ये ड्राइवर बी है, ये ड्राइवर ए है, ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जब इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 80। ये समझ में आता है? ठीक है, आता है, अब मैं पढ़ता हूँ तो आता है, वैसे आता नहीं। आगे, ठीक है, देवर ट्रैवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आर एंड 60 किलोमीटर पर आर। चलो ठीक, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 72 किलोमीटर पर आर एंड इसकी वेलोसिटी कितनी है, 60 किलोमीटर पर आर, राइट। आप किलोमीटर पर आर की जगह मीटर पर सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 72 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1,3600 सेकेंड। क्या ये पॉइंट क्लियर है? सॉल्व कर लेंगे, निकाल लेंगे मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली इसका भी निकाल लेना, 60 × 1,000/3600 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये वेलोसिटीज की वैल्यू गिवन है, राइट। बोथ ऑफ देम साइमल्टेनियसली अप्लाई ब्रेक्स, एक दूसरे को देखते हुए ताकि एक्सीडेंट ना हो, दोनों क्या अप्लाई करते हैं, ब्रेक्स। तो इनकी स्पीड बढ़ेगी कि स्लो होगी, हाँ स्लो होगी ना। तो
तो स्लो होगी, एंड कितने एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? नेगेटिव क्यों होगी? क्योंकि स्पीड दोनों की क्या हो रही है? कम हो रही है। तो यानी कि ए भी रिटार्ड करेगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड बी भी रिटार्ड करेगा -5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? तो ए और बी दोनों क्या कर रहे हैं? रिटार्ड करेंगे। कोई डाउट? क्लियर है यहां तक? आगे तो फाइनली क्या चाहते हैं? रुकना चाहते हैं कि रुक जाए, एक्सीडेंट ना हो। तो रुकेंगे तो मान लो ए यहां पे आके रुक गया कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ कितना? एस वन। और मान लो बी यहां पे आके रुक गया कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ एस टू। अगर आप मुझे एस वन एस टू निकाल दें, टोटल डिस्टेंस इनके बीच में कितना था? 80। एस वन प्लस एस टू अगर तो 80 से ज्यादा आ गया फिर तो समझो इनकी टक्कर हुई हुई, क्योंकि रुक ही नहीं पाएंगे, 80 ज्यादा डिस्टेंस चाहिए रुकने के लिए। पर अगर 80 से कम आ गया फिर इनकी टक्कर नहीं होगी। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्या लॉजिक है? तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? एस वन एंड एस टू। तो आप एक काम करें, आपको इसकी वेलोसिटी पता है इनिशियल, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाने वाली है? जीरो। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, तो यहां पर अप्लाई करें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2 into a into s। तो फाइनल वेलोसिटी क्या पुट करेंगे? जीरो। इनिशियल आप निकाल लेना, एक्सेलेरेशन माइनस फाइव है और यहां से क्या जाएगा? एस वन। सिमिलरली इसके अंदर भी क्या निकालेंगे? एस टू। निकाल लें एस वन एस टू, ऐड करके बताएं जरा क्या आ रहा है, 80 ज्यादा आ रहा है कि 80 से कम आ रहा है, फिर डिसाइड करेंगे एक्सीडेंट हुआ कि नहीं हुआ। एस वन एस टू आया? अच्छा देखो तो इसके अंदर ओके, तो मुझे चेक कर लेते हैं। तो वी स्क्वायर तो यहाँ पर जीरो है ही है, इनिशियल ये कितना आया सॉल्व करके बताना जरा? 20 मीटर पर सेकेंड। ओके इसको कट करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो बताओ इसका क्या आएगा? 50/3 मीटर पर सेकेंड। राइट। तो इसमें वी स्क्वायर तो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 20 का स्क्वायर इज 2 into एक्सेलरेशन की जगह -5 into s1। तो प्लीज s1 निकालो। बोलो s1 कितना आ रहा है? 40 मीटर। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट है। अब इसमें b के लिए कैलकुलेट करते हैं फिर से, v square minus u square is equal to what? 2as। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो, इनिशियल कितनी? 50/3 का होल स्क्वायर, 2 into एक्सेलेरेशन की जगह -5 और s2 निकालना है। तो s2 कितना आ रहा है? 27 पॉइंट। तो अगर आप s1 s2 को ऐड करें 80 से क्या आ रहा है?
कम आर, एक्सीडेंट नहीं होगा। तो दोनों में फिर दूरी क्या होगी, 80 में से एस वन एंड एस टू को क्या कर देना है, माइनस आंसर। ऑब्वियसली क्या करोगे, एस वन एस टू कैलकुलेट करके 80 में से क्या करोगे, माइनस आंसर। तो इतने डिस्टेंस पे, इतने गैप पे वो रुक जाएंगी गाड़ियां। क्लियर है, कैसे सोचना है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये फिजिक्स है, प्रैक्टिकल सोचना फिजिक्स है, कोई थ्योरी नहीं है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आपने कहानियां बनानी है, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, कुछ नहीं करना, लॉजिक है, प्योर लॉजिक है। तो लॉजिक को आपने पकड़ना है और ये प्रैक्टिस से हो जाएगा। ठीक, प्रैक्टिस कितनी करनी है, पर डे क्वेश्चन कितने एक्सपेक्ट करते हो फिजिक्स के, कितने होने चाहिए पर डे, 20। ठीक, स्टार्टिंग 20 पर डे, 15 पर डे, 20 पर डे। और आप मानोगे, जो बच्चा सेलेक्ट होता है एक्चुअल में प्लस टू में जाता जाता, एटलीस्ट प्लस वन एंड, शुरू में तो खैर वो भी कम रहते हैं, प्लस टू के अंदर एफिशिएंसी 40-50 ऑब्जेक्टिव्स की डेली है, 40-50 क्वेश्चन की डेली ऑब्जेक्टिव की एफिशिएंसी है। और ओनली फिजिक्स, हाँ ओनली फिजिक्स की, मुझे पता नहीं बाकी सब्जेक्ट में पता, फिजिक्स में 50-50 न्यूमेरिकल तक कर जाते हैं। आप भी करेंगे, आप ये ना सोचेंगे वो कैसे करेंगे, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई कहे कि पुशअप करो, आज 10 ही होंगे, फिर कल 11 भी हो जाएंगे, एक महीने बाद 13 हो जाएंगे, करते 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 50 भी पहुंच जाएंगे, साल लगेगा। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, स्टेमिना बनाना पड़ता है, तब जाके होगा। तो लगे रहना पड़ता है, ऐसे नहीं होगा एक दिन कुछ नहीं हुआ, सर ने कहा था प्लस टू में 50 हो जाएंगे, मैं कुछ नहीं पढ़ा प्लस वन में, अब प्लस टू में होंगे, अब सर ने कहा 50, अब तो हो जाएंगे, ऐसे नहीं होंगे, डेली करेंगे तो होंगे। तो ये शीट आपको पहले ट्राई करनी पड़ेगी, एक एक क्वेश्चन ट्राई करना पड़ेगा, जो नहीं हुआ तो एनालाइज करना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, उसको मार्क करना पड़ेगा। ये सोल्यूशन बना के मैं गूगल ड्राइव पे शेयर कर दूंगा, या सोल्यूशन देखने पड़ेंगे, या क्लास में पूछना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं हुआ, फिर आप ऑब्जर्व करेंगे, अच्छा ये इसलिए नहीं हुआ था, आपने क्या किया, नॉलेज गेन की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं तो असाइनमेंट कंप्लीट होगी। इस तरीके से धीरे 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 करके नॉलेज बढ़नी स्टार्ट होगी, शुरू में 10-15 के साथ ही शुरू करेंगे। क्लियर है, बाद में आपको चीज़ें समझ भी जल्दी आएंगी ना, तो जल्दी जल्दी निकलती। जैसे जैसे अगर मान लो मैं ये क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे फिर से पीछे, कि चलो एक बार बताओ एक्स की